हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज एक मैकेनिकल का टॉपिक लेके आया हूँ। इंटरव्यू के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे बेसिक नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो मैकेनिकल नहीं जानता, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट नहीं है, वो भी ये टॉपिक समझ सकता है, क्योंकि डेली लाइफ में ये यूज़ होता है गर्मी का मौसम में। तो इस कॉम्पोनेंट के बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और कैसे काम करता है आज वो भी देख लेते हैं। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है, अगर मैकेनिकल टर्म्स में कहें तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। और अगर लेमैन लैंग्वेज में कहें तो फ्रिज कैसे काम करता है, आज वो देखते हैं। चलिए शुरू करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि देखिए फ्रिज हमारा कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अच्छा, फ्रिज में कुछ कॉम्पोनेंट्स लगे होते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या कहते हैं, एक कॉम्पोनेंट होता है, उसका नाम क्या होता है वो भी बताता हूँ। इसको जब हम रोटेट करते हैं तो कुछ पाइप्स लगी होती हैं, हॉरिजॉन्टल भी लगी होती है, वर्टिकल भी लगी होती है, और उसी के साथ एक और चीज जुड़ी होती है। तो चलिए उन सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहला है हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स आ रही है, ये देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है इसे हम कहते हैं कंडेंसर, ठीक है। इस कंडेंसर के साथ नीचे की तरफ एक इस तरीके से राउंड शेप में ट्यूब्स लगी होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। चलिए वो भी दिखाऊंगा। देखिए इसके जो फ्रिज के नीचे यहाँ पे जो चीज लगी है उसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेसर। देखिए ये जो चीज है ये क्या है, कंप्रेसर है, ठीक है, सबसे नीचे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक राउंड सी चीज कैपिलरी ट्यूब होती है, वो जुड़ी होती है, वो कुछ इस तरीके का होता है। देखिये जो मेन पर्पज है हमारा वो थ्रॉटलिंग का ही होता है, ठीक है। थ्रॉटलिंग एक कैपिलरी डिवाइस है, ठीक है। अच्छा, थ्रॉटलिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं वो इस टर्म को जानते होंगे। थ्रॉटलिंग का मतलब होता है कि कोई एक ऐसे डिवाइस, एक नैरो रीजन के डिवाइस जिसमें किसी गैस को एक्सपेंड किया जा सके, और इस प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो चलिए देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं फ्रिज की। देखिए ये जो पार्ट है ये कंडेंसर के साथ नीचे लगा होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इसका काम क्या होता है। यहां से मेन चीज शुरू होती है, थ्रॉटलिंग वॉल्व के स्टार्टिंग में सपोज करिए एक लिक्विड है जिसका टेम्परेचर हाई है और प्रेशर भी हाई है, ठीक है। एक लिक्विड है जिसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई है। अब क्या हो रहा है, यहां से जब ये चीज लिक्विड यहां से गुजरती है थ्रॉटलिंग वॉल्व से, नैरो रीजन है पूरा, तो इसकी वजह से होता क्या है कि नैरो रीजन में अगर हम किसी चीज को एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसका जो प्रेशर है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, यानी कि जो लिक्विड है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होने की वजह से क्या होगा, जो लिक्विड का टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज करेगा। सपोज करिए कि लिक्विड जो यहाँ पे है, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो लिक्विड है इसका टेम्परेचर अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस है, तो ये डिक्रीज होते होते 45 से तो कम यहाँ आउटलेट पे हमें टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिक्विड जो था वो हाई टेम्परेचर पे था और यहाँ पे जो लिक्विड है वो लो टेम्परेचर पे। बस इसी चीज का फायदा उठाना है कि ये लो टेम्परेचर का जो लिक्विड है अगर हम इसको इस चीज में पास करें, ठीक है, ये जो हमारा जो भी सामान रखा है अगर हम इसे पास करते हैं तो ये सारी चीजें क्या होंगी, ठंडी होती जाएंगी, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा पार्ट है इसके अंदर जो भी चीज लगी, देखिए ये जो ट्रेस लगी है जिनके ऊपर सामान रखा है, ये सारा अगर इसको हम क्लोज करते हैं तो ये पूरा इवेपोरेटर का काम करता है। अच्छा, इवेपोरेटर का मतलब क्या हुआ, इवेपोरेटर का मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड इस चीज के अंदर आ रहा है वो जो सामान यहाँ पे रखा है, जैसे ये बॉटल्स रखी है, फ्रूट्स रखा है, इसकी जो भी गर्मी है वो उसको खींच के इसको ठंडा करेगा। अच्छा, इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है, यानी कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि देखिए ये जो हमारा पूरा पार्ट है ये इवेपोरेटर है, और यहां से हम क्या कहते हैं, इसकी गर्मी जो भी है, जो भी गर्मी उसको खींचते हैं और ये ठंडक वहां पे आते हैं, यानी कूलिंग इफेक्ट वहां पे प्रोड्यूस होता है। तो ये पूरा पार्ट क्या है, एक इवेपोरेटर कहलाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो सामान है ये इवेपोरेटर नहीं है, ये पूरा चैम्बर इवेपोरेटर है, ठीक है। अच्छा देखिए यहां से हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हमें मिला था हाई प्रेशर लिक्विड, यहां मिला लो प्रेशर लिक्विड, और जब यहां से पूरा पास हो जाएगा तो ये क्या मिलेगा हमें, लो प्रेशर वेपर। अगर हम लो प्रेशर वेपर को हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट कर दें तो हमारा फ्रीजिंग का काम चलता रहेगा। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए हमारे पास जो लो वेपर प्रेशर आया, ठीक है, लो वेपर प्रेशर को हम क्या करेंगे, उसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे,
प्रेशर इंक्रीज करने के लिए हमारे पास कौन सा चीज है, हमारे पास है कंप्रेसर, ठीक है, ये कंप्रेसर है हमारे पास, ये कंप्रेसर हम यूज करेंगे। अच्छा देखिए, जो हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है वहां पे आपका कौन सा रेसिप्रोकेटिंग, वहां पे आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज होता है। जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वहां पे आपका रोटरी कंप्रेसर यूज होता है, और जो हाई लेवल के प्लांट्स होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा आइस लेवल का वर्क होता है वहां पे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज होता है। देखिए कंप्रेसर करता क्या है, जो वेपर आया है उसको कंप्रेस करेगा, ठीक है, उस वेपर को कंप्रेस करने में क्या होगा, उसका प्रेशर तो इंक्रीज करेगा बट साथ साथ में उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है, बट हमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं चाहिए, हमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, बस वेपर, जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए और उसका जो प्रेशर है वो हाई हो जाए। तो देखिए जब वो वेपर कंप्रेसर से गुजरेगा, वो वेपर कंप्रेसर से गुजरेगा तो उसका प्रेशर तो हाई होगा, साथ में प्रेशर हाई हुआ, अब हमें क्या करना है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो हम उस वेपर को क्या करेंगे, इस कंडेंसर से पास करेंगे। इस कंडेंसर से पास करने में क्या होगा, ये भी एक तरीके का हीट एक्सचेंजर, देखिए ये हीट एक्सचेंजर, इसके साथ ये फिन्स लगी हुई है, ये भी एक तरीके का हीट एक्सचेंजर है, तो ये हीट एक्सचेंज करने में जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट होने के साथ देखिए हमारी इनिशियल कंडीशन आ गई, कंप्रेसर यूज किया था तो प्रेशर हमारा इंक्रीज कर गया, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज कर गया, प्रेशर इंक्रीज कर गया, साथ में हमने कंडेंसर यूज किया तो जो हमारा वेपर था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे लिक्विड क्या है, हाई प्रेशर में हमें मिल गया, और हमने कंडेंसर यूज किया था तो यानी कि कंडेंसर में हमारा जो टेम्परेचर वो क्या है, कॉन्स्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी प्रेशर यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगा। अच्छा अब इसी चीज को एक साइकिल में शो करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे चार कंपोनेंट यूज हुए हैं, पहला था थ्रोटल वाल्व जो कि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, दूसरा है हमारा इवेपोरेटर, यहाँ पे दो प्रोसेस यूज होंगे, आइसोबैरिक का आइसोथर्मल, तीसरा क्या होता है, कंप्रेसर यूज होता है, कंप्रेसर कैसा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, और फिर हमारा चौथा क्या है, कंडेंसर, कंडेंसर क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा प्रेशर तो इंक्रीज कर गया, हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए थ्रोटल वॉल्व के इनिशियल जो कंडीशन वो क्या है, लिक्विड है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर है, जब वो थ्रोटल वॉल्व से गुजरता है तो हमारे पास क्या कंडीशन आती है, जो लिक्विड है वो टेम्परेचर उसका लो हो जाता है और प्रेशर भी लो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये जो लिक्विड है लो प्रेशर और टेम्परेचर का, ये कहा जाता है इवेपोरेटर में, इवेपोरेटर से ये चीज कहाँ जाती है, इवेपोरेटर में जो चीज आती है वो हमारे पास होती है वेपर होता है लो प्रेशर और टेम्परेचर का। अब देखिए यहां से जो लो प्रेशर और टेम्परेचर का वेपर है ये कंप्रेसर में जाता है, ये ड्राई कंडीशन में भी हो सकता है और वेट कंडीशन में भी हो सकता है, बट हम कोशिश जनरली ये करते हैं कि जो हमारा वेपर है वो किस फॉर्म में रहे, वो रहे हमारा ड्राई कंप्रेशन में रहे, ड्राई फॉर्म में रहे, क्योंकि अगर वेट फॉर्म में रहेगा तो जो कंप्रेसर है वो चोक होने की कंडीशन होती है, यानी कंप्रेसर आपका खराब हो सकता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी वेपर है वो ड्राई स्टेट में रहे। कंप्रेसर के बाद जो चीज हमें मिलती है कंप्रेशन के बाद क्या होता है, हमारे पास वेपर आता है हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे, और इसी चीज को जब हम कंडेंसर से पास करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, लिक्विड, हाई प्रेशर और टेम्परेचर। तो ये हमारी पूरी साइकिल होगी जिसपे एक रेफ्रिजरेटर काम करता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और अगर समझ में आया हो तो आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।